पूर्वांचल जिसे सियासत का चश्मा और चुनाव का लैब कोट पहनकर देखेंगे तो आपको नई इक्वेशन और कई जातियों की चेन रिएक्शन दिखाई देगी। छोटे छोटे दलों की ये चुनावी प्रयोगशाला है, नेताओं का बोलबाला। पैसा लेके बढ़ता है तो 10 आदमी लपट के देखते रहे, अगे लेना गाड़ी और सलाई की काड़ी अपने हाथ जेबा में रखे रहे और उनके टायर की छुच्छी में डाल देना, टायर की छुच्छी में डाल देना, उधर हवा निकलेगी, इधर पैसा निकाल लेना। अब नेता इस तरह की बातें अपने वोटर के बीच मैसेज देने और पकड़ बनाए रखने के लिए कहते हैं। और पूर्वांचल में नेताजी का सियासी महत्व इसलिए भी है क्योंकि यहाँ अति पिछड़ी जाति सैतवार, बिंद, गडरिया, निषाद, कश्यप, प्रजापति, तेली, साहू, काची, कुशवाहा, राजभर, नाई, बढ़ई, पांचाल, धीमान, लोनिया, नोनिया, गोले ठाकुर, लोनिया चौहान, मुराओ, फकीर, लोहार, कोयरी, माली, सैनी, हरभुंजा और तुरहा का वर्चस्व है। इनमें भी निषाद, राजभर और कुर्मी वोटर पूर्वांचल में चुनाव का डिसाइडिंग फैक्टर माने जाते हैं। पूर्वांचल में 17-18% राजभर, 14-17% निषाद, 20% मुसलमान और 6-7% कुर्मी। इसके अलावा 21% दलित वोटर भी हर पार्टी के लिए अहम है। ब्राह्मण वोटर यहाँ करीब 12% है। तो क्या ये मान लिया जाए कि एक रोड शो के बहाने मोदी ने 26 सीटों पर जातीय समीकरण को भी नया संदेश दिया है? क्या ओपी राजभर, अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद की पार्टी मोदी को यूपी में 100% रिजल्ट दिला रही है? नया दौर है, नई उमंगे, नई लहर है मोदी का, स्वच्छ भारत का सपना जो चल पड़ा है मोदी का। 400 के पार होगा और क्या? 405 सीट आज अपनी तरफ से, 5 मेरी तरफ से, तोहफा बनारस का तोहफा। वो हमारे राजा हैं, धरती के सम्राट हैं। मोदी जी धरती के सम्राट हैं। मोदी जी अमेरिका में लड़ जाएं तो शायद वहाँ पे जो बाइडेन को भी भागना पड़ जाएगा। 400 सीट बोल रहे, 417 सीट आने वाली है मोदी जी की। 17 कहाँ से आई है? आएगी इस बार। तोहफा नहीं, मोदी जी का आना है, आप देख नहीं रही है, जन सैलाब नहीं देख रही है। अरे हमारे जो सनातन का सम्मान करता है वही तो देश पे राज्य करेगा। बहुत कुछ मिला है, मोदी जी है तो हम लोग है। ऐसी बात है, मोदी जी ने ऐसा आह्वान किया है कि 400 सीट और 400 सीट वो पार है, पूरी तरह पा रहे हैं, एक सीट भी नहीं गड़बड़ाने वाली है। हम लोग जो है मोदी जी के वो प्रशंसक है, इतना काम किया है तो हम चाहते हैं मोदी जी से सुविधा। अमेठी देखी, रायबरेली देखा, इलाहाबाद देखा, वहाँ के विकास और काशी के विकास पूरा विश्व देख रहे हैं। काशी के वोटर की मोदी पर भरोसे की वजह क्या है? बात सिर्फ ये नहीं है कि मोदी काशी से चुनाव लड़ रहे हैं, तथ्य तो ये भी है कि एक सांसद के तौर पर 10 साल में काशी का कायाकल्प किया और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण लोगों के सामने भी है। ऐतिहासिक जीत होगी और रोड शो भी, एक मुसलमानों ने जो भव्य स्वागत किया है वो आप देख रहे हैं, एक चेहरा चाहे महिला हो चाहे पुरुष, ऐसे तहे दिल से उनका स्वागत किया है कि आप आने वाले वक्त में एक ऐसी जीत होगी जिसको लोग ऐतिहासिक जीत कहे। फीलिंग बहुत ज्यादा ही अच्छी थी और मोदी जी को देख के कुछ सूझ ही नहीं रहा था, बस नजर उन्हीं के ऊपर जा रही थी, कहीं इधर उधर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हमको कहना है हमारे जगह जो रोड शो की है सबसे बड़ी खुशनसीबी भी तो यही है, सबसे मदनपुरा के लोग जो खुश हैं इसीलिए जो मदनपुरा से गए। मदनपुर बनारस बहुत बड़ा है, मदनपुरा हालांकि छोटा सा, मदनपुरा के लोग मोदी जी के साथ है, हर तरीके से मोदी जी के साथ। मोदी सरकार ने सभी लोगों को समान घर दिया, मकान दिया, शौचालय की सुविधा दी, अन्न दिया, आयुष्मान कार्ड दिया, हर सरकार में ऐसा नहीं था, मोदी सरकार में जो हुआ है तो उसको हम लोग तहे दिल से एक्सेप्ट करते हैं। आज पूरा विश्व, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि बनारस की गंगा जमुना जो तहजीब है वो तहजीब का नजारा मदनपुरा में दिख गया है। यहाँ हजारों लाखों की संख्या में बनारस वासियों ने अपने देश के प्रधानमंत्री, बनारस के सांसद का स्वागत और अभिनंदन किया है। माँ गंगा है, यहाँ पे हम लोग स्नान करते, पूजा करते हैं, ये लोग वजूद करके जाके नमाज पढ़ते हैं। ये गंगा जमुनी तहजीब है, यहाँ कबीर भी है और यहाँ भोलेनाथ भी है, तो ये हमारे भाई हैं, इनसे बिना रोटी का, खून का, रोजगार का हमारा इनसे नाता है। बनारस का मुसलमान पूरा साथ है, जैसे मोदी जी ने मुसलमानों का साथ दिया है, जैसे कि हर योजना में मुसलमानों को आगे रखा हुआ, वैसे ही मुसलमान साथ देंगे, इस बार हैट्रिक लगेगी। हजारों करोड़ की योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू की, कई पूरी हो गई, कई चल रही है। इस बार भी मोदी के 2 दिन वाराणसी के नाम। पीएम बनने के बाद मोदी 38वीं बार वाराणसी का दौरा कर चुके हैं।
वहीं पिछले 7 साल की बात करें तो 27 बार वाराणसी पहुंचे। जिन परियोजनाओं को शुरू किया उनका असर सिर्फ वाराणसी नहीं पूरे रीजन के साथ देश विदेश तक चर्चा की वजह बना। पावर सेक्टर में 890 करोड़, रोड कनेक्टिविटी के लिए 4290 करोड़, रेलवे के लिए 1499 करोड़, अटल आवासीय विद्यालय योजना 1115 करोड़, पीएम मुद्रा योजना 1144 करोड़, पुरानी काशी के कायाकल्प के लिए 86 करोड़ और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए 400 करोड़ का फंड रिलीज किया गया। इसके अलावा भी कई और योजनाएं हैं जो शुरू हो चुकी हैं, लेकिन क्या बोर्ड सिर्फ यही देखकर पड़ेगा? जनता क्या मानती है, क्या सब तक विकास की बाजार पहुंची? अरे ये हमारा बिजनेस है जो सही से चले है बस, और क्या चाहेंगे। ये एक सेंटर बनाना चाहिए यहाँ बनारस में। लाभ यही होगा कि जाकर हम खुद अपना बेचेंगे, व्यापार करेंगे। आगे देखिए, अब सरकार बनने वाली है, अब जो भी है, चाहे मोदी जी है चाहे जो भी है, लेकिन हम लोगों का यही है कि हम लोगों का कारोबार बढ़िया चले और हम लोग यह लोकल मार्केट से हट के इंटरनेशनल भी अपना सेलिंग करें। हम लोग का डिमांड यही है कि हम लोग भी आगे तक माल पहुंचा सके, कारोबार करें। हमारे यहाँ लोकल मार्केट में बेचते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, पैसा का भी दिक्कत होता है। इसका मतलब ये है कि कई लोग ऐसे अभी हैं जो अभी विकास की धारा में साथ बहने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। बहरहाल, जहां तक जीत के रिकॉर्ड का सवाल है तो इस पर मोदी को लेकर बनारस में उत्साह है। गीत गाकर नए नए जीत के रिकॉर्ड बनाने की बात हो रही है। स्वागत है मोदी जी का, स्वागत है विश्वनाथ की नगरी में मोदी जी का स्वागत है।